I'm Dr. Neeru Pathak, Principal, DPS Ajmer Tabiji, and I wish a very, very happy Deepavali to all the Ajmer. Shri Kubera Collection ki taraf se sabhi Ajmer Shahar vaasiyon ko Diwali ki hardik shubhkamnaen. मैं अनुज अग्रवाल अजमेर तनिष्क शोरूम से अजमेर के सभी शहरवासियों को मैं तनिष्क की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि आप सबका दिवाली बहुत अच्छे से बने। एमडी मोबाइल एसेसरीज एंड रिपेयरिंग की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। एक मिनट, एक सेकंड। वो डेंगू बुखार भी हो रहा है बच्चों को और ये अब पानी की कोई मशीन भी नहीं लगी हुई साफ़ सुथरी है, इतनी गंदगी यहीं आ रहा है सब लेने। दूसरे बच्चे वार्ड के वहाँ से भी यहीं आ रहे हैं, दूसरी जगह से भी है। वो सामने बच्चे वार्ड में हमारा बच्चा वार्ड है, डेंगू है इनको। यहाँ पे भी देखो गंदगी रहती है, यहाँ फैली हुई है। सरकारी हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेरा, इस वजह से देख लो भी यहाँ पे। देखो देखिए कि डेंगू के केसेस, क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई है, पानी भरा हुआ है और तब को आपको पता है कि डेंगू है, चिकनगुनिया, इनके मच्छर साफ पानी में ही पनपते हैं। इसके ब्रीडिंग सोर्सेज हमारे घरों में ही होते हैं, घरों के आसपास होते हैं। कोई गंदे पानी में, गंदे गंदगी के अंदर मच्छर पैदा नहीं होते। हमारे घर के अंदर खेलियाँ हैं, फ्लावर पॉट्स हैं, फाउंटेन्स हैं, गमलों के नीचे प्लेट सकते हैं। जैसे अभी कूलर काम में नहीं आ रहे, लेकिन हम हमारे आलस्य के कारण कूलर को खाली नहीं कर रहे। अब कूलर में पानी पड़ा स्टैग्नेंट, अगर आप देखेंगे 5-7 दिन के अंदर जो आप लट्टे कहते हैं वो लार्वा होते हैं। जब तक हम इनका निस्तारण नहीं करेंगे, चिकित्सा विभाग अपनी जगह पूरा करता है, डोर टू डोर सर्वे चल रहा है। आप हमारे टीमें घर घर जाके समझाइश कर रही हैं, पानी के कूलर्स को खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं और फाउंटेन्स पानी के लिए, परिंदे आपने चिड़ियों के लिए रख रखे हैं, गायों के लिए आप देखें कई जगह बाहर टंकियाँ रखी हुई होती हैं। टंकी में पानी तो भरा होता है लेकिन उसको खाली कोई नहीं करता है। जबकि हमने आपके मीडिया के माध्यम से भी कई बार अपील कर चुकी है कि एक संडे को ड्राई डे रखें, मतलब एक बार सबको सुखा दें। सूखने के बाद जब धूप के अंदर सूख जाएंगे तो जो हमारे लार्वा हैं वो नहीं पनपेंगे। रही बात फॉगिंग की, फॉगिंग हमारे नगर निगम ने सब जगह करा दी है, दोबारा राउंड चालू कर दिया है, लेकिन फॉगिंग भी इतनी इफेक्टिव नहीं है क्योंकि वो तो एक एडल्ट्स को ख़त्म करती है। आपने सडनली किसी को कम तो कर दिया एडल्ट, लेकिन जो लार्वा पैदा हो रहे हैं लाखों की तादाद में, उनका वो हमारे घर में मरमा रहे हैं। जब तक हम हमारे प्रोफेशनल घर को नहीं देखेंगे, व्यक्तिगत स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम इससे निजात नहीं पा सकते। केसेस हमारे नो डाउट है लेकिन पिछली बार की तुलना से काफ़ी कम है और अब जब जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी तो इनकी जो बाइट रेट है वो भी कम हो जाएगी। और उम्मीद है कि ये दिवाली के टाइम साफ़ सफाई भी होती हैं तो इस कारण ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। देखिए मैंने आपको बोला पर्सनल प्रोफाइल एक्सेस, मतलब हमारे घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। सोर्स रिडक्शन इसका मेन चीज़ होती है। सोर्स का रिडक्शन मतलब जहाँ मच्छर अंडा देते हैं वही नहीं होंगे तो ये आपको बाइट नहीं करेंगे, बाइट नहीं करेंगे तो बीमार कैसे होंगे आप। आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर आपके यहाँ पानी का स्रोत है तो उसको 7 दिन में 1 दिन जरूर साफ करके सुखा दें, उसको वापस भर लें। हम नहीं कहते कि आप गायों को पानी नहीं पिलाएं, हम नहीं कहते पशुओं को पानी नहीं पिलाएं, हम नहीं कहते परिंदे खाली नहीं करें, हम नहीं कहते। आप देखिए गमले के नीचे प्लेट लगा देते हैं, आप उसके नीचे देखिए। आप तो कुछ छोड़िए, आपका जो फ्लश वाला लेटरिन बाथरूम होता है ना उसको 7 दिन काम मत लेना, उसके अंदर आपको अंडे मिल जाएंगे, लट्टे मिलती हैं जिसको कहते हैं लट्टे, वो लट्टे नहीं, वो लार्वा हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई सा भी तेल अगर आप उस पर डाल देंगे तो वो लार्वा को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एडल्ट में डेवलप नहीं होंगे, वो मर जाएंगे। जहाँ पीने योग्य पानी है उसके अंदर हम टेमिफोस डालते हैं, जहाँ पीने योग्य पानी नहीं है उसके अंदर कोई सा भी जला हुआ तेल या आपके घर में जो भी तेल पड़ा है उसको डाल देंगे। मकसद ये है कि एक लेयर बन जाए, लेयर बन गई, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी लार्वा को, वो एडल्ट में डेवलप नहीं होंगे, वो मर जाएंगे।